मनी राम राम विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस समय खेत का बुआई चल रही है और चलती हूँ दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लगाया है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा सा पालकी लगाया है, और एक मिस में आम का पेड़ है, और सौंप भी लगाया है, और इधर हमने धनिया लगाया है। तो इस मौसम में दोस्तों हरियाली बहुत देखने का अच्छा लगता है, देखने को मिलता है। ये देखिए दोस्तों, इसमें फल लगने स्टार्ट हो गया है, इसमें एक फल देखिए लगा है। तो इसमें अब फल लगना स्टार्ट हो गया है, और ये देखिए हमने दवा थोड़ा सा छिड़का है इसे भाटा के पौधे पे। तो हमने आम लगाया है, इसे अच्छे से खड़ा कर देती हूँ। तो ये देखिए हमने फूल लगाया है, तो फूल फूलना स्टार्ट हो गया है, इसमें चार पांच फूल अच्छे से लग गया है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पुदीना लगाया है, वो काफ़ी अच्छा पुदीना का पौधा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमने सौंफ लगाया है इस साइड, और बगल में एक नीम का पेड़ है। देखिए हमने मिर्चा लगाया है, गोभी लगाया है, और बगल में इसमें टमाटर भी हमने लगाया है। देखिए हमने थोड़ा सा चना लगाया है, और ये देखिए पौधा काफ़ी अच्छा है, और थोड़ा हमारा चना बिगड़ मतलब पौधा कम निकला है। चलती हूँ खेत में दिखाऊंगी अपना जो हमने आलू का पौधा लगाया है, तो दिखाऊंगी हमारा आलू कैसा है। जो करमुआ होता है, तो ये जो नारी का साग लोग बोलते हैं, तो इसी का ये फल है, जिसका ये फल लगता है, और काफ़ी अच्छा अच्छा घौदा घौदा इसमें फल लगा हुआ है। अब इसका जो फूल है उसको हम वो भी दिखा देती हूँ, ये देखिए बगल में, तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। तो चलो हम करमुआ का जो बीज होता है उसको हम दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें एक में तीन रहता है, ये देखिए इसका ये बीज है। तो तालाब के किनारे हैं दोस्तों, ये देखिए बगल में तालाब है, पानी के पास ज़्यादा ही इसका पौधा रहता है। ये देखिए गुच्छा गुच्छादार लगा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा सा आलू लगाया हुआ है, देखिए दोस्तों हमने बगल में थोड़ा सा अरे प्याज का बेहन डाला हुआ है, और धनिया की पत्ती हमने लगाया हुआ है। ये देखिए हमने थोड़ा सा लहसुन लगाया हुआ है, और बगल में थोड़ा सा गाजर, हमने सरसों लगाया हुआ है, सरसों में हमने पानी का भराई भी कर दिया है, इसमें खाद का छिड़काव हुआ है, और काफ़ी अच्छा इसका पौधा है दोस्तों। हमने ढेर सारा देखिए सरसों बोया हुआ है, और इस साइड में दोस्तों अरे रहर और सरसों की बुआई होती है। देखिए हमने लहसुन लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है, लहसुन का पौधा है, जो बड़ा वाला लहसुन होता है वही हमने लहसुन लगाया है, और बगल वाली क्यारी में हमने छोटा वाला लहसुन लगाया हुआ है। मुरई उपारेंगे अपने खेत से, नहीं 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 नही
खेत से घास उखाड़ूंगी। तो आज का हमारा वीडियो दोस्तों कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलेंगे एक नए